जल्दी से जल्दी दिसंबर तक हमें पोषण कंप्लीट करना है अभी काफ़ी हमारा रहता है लेकिन इतना भी नहीं रहता हम आराम से कर पाएंगे और उसके बाद में मॉक टेस्ट थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड मेरा टारगेट है कि हम करेंगे ओके तो लेट अस स्टार्ट जेम्स मैक पर्सन और इसमें टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दिया है टेलीग्राम लिंक पे तो आप वहाँ से पीडीएफ डी देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपर्स की नोट्स हैं जो वो टेंडेंसी वो जो ट्रिक्स यूज करते हैं याद करने की वो इसमें दी गई है तो आप जरूर देखिएगा टेलीग्राम लिंक आप जरूर ओपन करिएगाट स्टार्ट जेम्स मैक पर्सन एंड ही वॉज बॉर्न इन सेवनटीन थर्टी सिक्स एंड ही वॉज डाइड इन सेवनटीन नाइन्टी सिक्स एंड ही वॉज ए स्कॉटिश पोएट ये स्कॉटिश पोएट थे एंड ही क्रिएटेड पोइटिक परसोना ओशियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने पोएटिक परसोना ओशियन नाम का एक क्रिएट किया था वो वॉज ए गैलिक पोएट कौन थे वो गैलिक पोएट थे गैलिक कौन होता है इज ए रीजनल लैंग्वेज गैलिक क्या थी रीजनल लैंग्वेज थी एक ठीक है उनमें अपने गाने गाते थे एंड जेम्स को डर था जेम्स मैकपर्सन को क्या डर डर था कि उनकी पोइट्री फ्लॉप हो जाएगी सो इन मच ऑफ हिज पोएट्री ही क्लेम्स इट इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ गैलिक पोएट तो मोस्टली वो अपनी जो पोइट्री है उनमें क्लेम करते हैं कि वो ये सारी ट्रांसलेशंस है गैलिक पोएट की हु लिव्ड इन ए थर्ड सेंचुरी वो जो थर्ड सेंचुरी में रहते हैं एंड द नेम ऑफ द गैलिक पोएट इज ओसियन और वो गैलिक जो पोएट है उसका नाम उन्होंने बताया है ओसियर रोट इन ए स्कॉटिश डायलेक्ट जो स्कॉटिश डायलेक्ट में लिखते थे एंड द वर्क ऑफ ओशियन इज नॉट इन ए प्रिंटेड फॉर्म पीपल सिंग इट तो वो बोलते हैं कि जो वर्क्स उनके थे जो, जो, जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है लोग उनको गाते थे और मैं वो ही आपको दे रहा हूँ तो इनका फर्स्ट वर्क है फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियंट पोइट्री फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियड पोइट्री एंड कलेक्टेड इन द हाईलाइट्स ऑफ स्कॉटिश एंड दिस इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पोएम इन गैलिक ओशियन रोड दिस तो ये एक वर्ड मतलब गाया हुआ है जो इन्होंने कलेक्ट किया है और लिखा है ओश so, किसने लिखा है ओसियन ने लिखा है ठीक है तो so, ये इनका फर्स्ट वर्क था आपको सिर्फ वर्क पूछे जाते हैं तो so, आपको याद रखना है कौन सा वर्क इन्होंने लिखा है एंड द नेक्स्ट वर्क इज फिंगल नेक्स्ट वर्क इज फिंगल एंड फिंगल इज ए आयरिश मैथोलॉजिकल क्रिएट कैरेक्टर है ये फिंगल क्या है आयरिश मैथोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत बार ये भी पूछा जाता है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है फिंगल इज ए आयरिश मैथोलॉजिकल कैरेक्टर एंड द कम्प्लीट टाइटल इज कम्प्लीट टाइटल क्या है फिंगल का एंड एनशियट एपिक पोएम इन सिक्स बुक्स एंड एनशियट एपिक पोएम इन सिक्स बुक्स ये इसका फुल टाइटल है ओके इससे ज़्यादा मोर देन ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है नेक्स्ट इज टमोरा नेक्स्ट इजोरा एंड एंशियंट एपिक ये एनशियट एपिक है पोयम है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ ओशियन ये भी ओशियन की राइटिंग्स पर बेस्ड है ओके तो ये हमारे थे थॉमस मैकपर्सन नेक्स्ट हम राइटर्स की तरफ चलते हैं द नेक्स्ट राइटर इज़ थॉमस चैटरटन मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि डेली के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो डेली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ शॉर्ट्स में हम ग्रामर करते हैं तो इसमें शॉर्ट्स में, में लिटरेचर भी चल रहा है साथ के साथ और ग्रामर भी चल रहा है तो आप शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिएगा और लाइक जरूर करिए ताकि एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का तो वो मोटिवेशन आपके थ्रू ही मिल सकता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तो नेक्स्ट राइटर हमारे थॉमस चैटरटन एंड ही वाज बोर्न इन 1752 एंड ही वाज डाइड इन सेवेंटीन सेवेंटी he was died in 1770 okay and suicide at 17 he suicide kar liya tha unhone at the age of 17 and he publish and write by the name of ye kaun se naam se likhte the thomas raule ke naam se he publish and write by the name of thomas raule तो ये thomas raule के नाम से लिखते थे 15th century mog जो है, okay तो कौन है? he wrote and publish all his poems ये आपको याद रखना है बहुत बार ये पूछा जाता है ओके एंड इट इज सेड दैट थॉमस रावले वाज़ ए रियल फिगर बोला जाता था कि थॉमस जो रावले है वो एक रियल फिगर है फिफ्टीन सेंचुरी के एंड ही वाज़ ए मॉन्क तो वो एक मॉक है एंड ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ सेवनटीन ये भी आपको याद रखना है बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राइटर है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था एंड ही फेल इन लव ऑल थिंग्स डेट इज मेडिवल इन नेचर जो भी नेचर का है उन सभी चीज़ों से वो प्यार करते थे ही वॉन्टेड ए वेल्थी लिटरेरी पैट्रॉन उनको एक वेल्थी लिटरेरी पैट्रॉन चाहिए था मतलब पैटर्न क्या होता है ए मैन हु कैन स्पॉन्सर सपोर्ट हिम जो उनको स्पॉन्सर कर पाए सपोर्ट कर पाए ऐसा उनको एक लिटरेरी वेल्दी लिटरेरी पैटर्न चाहिए था एंड ही सेंड हिज रावल पोयम पोएम टू होरेस रेस वॉलपोल उन्होंने हॉरेस वॉलपोल के पास भेजा हॉरेस वॉर्लपोल कौन थे ही वॉज ऑथर ऑफ फर्स्ट गोएटिक नॉवल जो गोयटिक नॉवल थे उनके ऑथर थे कौन होरेस रेस रॉल वॉलपोल एंड ही रिजेक्टेड उन्होंने इसकी राइटिंग्स रिजेक्ट कर दी एंड ही एंड थिंक दैट थॉमस चैटर्टन माइट है स्टोलन दिस पोएम्स फ्राम समवेयर और उनको लगा हॉरेस वॉलपोल को कि शायद थॉमस चैटर्टन ने किसी की पोएम्स चुराई है किसी की चुरा के उन्होंने अपने नाम से लिखी है एंड थॉमस थॉमसटन ही ट्रैवल टू लंडन इन ए होप टू फाइंड फाइनेंशियल रिकगनेशन लंडन गए ताकि उनको फाइनेंशियल रिकग्नेशन मिल जाए बट ही फेल एंड एट द एज ऑफ सिक्सटीन ही लॉस्ट ऑल द होप और सोलह साल की उम्र में वो अपने सारी उम्मीदें खो चुके थे एंड एट द एज ऑफ सेवनटीन ही कमिटेड सुसाइड बाय पॉइजन तो उन्होंने पॉइजन लेके सुसाइड कर लिया हिज लाइफ वॉज सेलिब्रेटेड बाई टू मेजर रोमांटिक राइटर्स तो इनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं टू रोमांटिक राइटर्स कौन कौन है परसी बसी शेले मतलब पी बी शैले परसी बसी शैले और उन्होंने बोलो टॉक्स अबाउट हिम इन हिज पोएम एडोनियस तो एडोनियस में इनके बारे में जिक्र किया है कई बार पूछा जाता है कि कौन से राइटर ने कौन से राइटर के बारे में जिक्र किया है उनको अपनी कौन सी राइटिंग में तो पी वी शैले ने किसके बारे एडोनियस में थॉमस चैटर्टन का जिक्र किया है एंड जॉन किड्स जॉन किड्स जॉन किड्स ने भी एंडीमियन जो उनका फेमस वर्क है टू द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन तो उन्होंने भी ये अपना मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन के ऊपर लिखा है दिस टू डेडिकेट देयर इम्पोर्टेंट वर्क्स टू थॉमस चैटरटन तो ये दो राइटर्स जो उन्होंने थॉमस चैटरटन के ऊपर अपने डेडिकेट किया है अपने रा, राइटिंग्स को ओके और वर्क देख लेते हैं इनका थॉमस चैटरटन का वर्क है हिस्ट्री एंड एंटीक्विटीज ऑफ ब्रिस्टोल History and antiquities of Bristol and two poems supposed to have been written at the Bristol by Thomas Rowley and other in 15th century. to ye kya hai History and antiquities of Bristol वहाँ pe ye rehte the place where he live. Bristol is a place where Thomas Rowley is living. तो आपको याद रखना है इसमें क्वेश्चन आया था एक तो क्वेश्चन है हु एमोंग द फॉलोइंग एटीन सेंचुरी इंग्लिश पोएट कमिटेड सुसाइड आफ्टर लिविंग क्लोज टू स्टारवेशन एज ए स्ट्रगलिंग पोएट तो कौन थे थॉमस चेटर्टन मैंने बोला था ना ये भी आ जाता है तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें भी डीप थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इसमें इतना ही दिया गया है जितना एग्जाम में पूछा जाता है तो नेक्स्ट राइटर है हमारे Thomas Percy. Next writer is Thomas Percy, and he was born in 1729, and he was died in 1811. So. He ही प्लेड ए मेजर रोल इन बैलेट रिवाइवल जो बैलेट का रिवाइवल उसमें इन्होंने काफ़ी मेजर रोल दिया है ही वॉज इन हीज फ्रेंड्स हाउस एंड हिज फ्रेंड्स इज अबाउट टू लाइट ए फायर बाई यूजिंग ए शेल ऑफ पेपर एंड दिस पेपर वेयर ए मेनोस्क्रिप्ट बैलेट तो उन्होंने इनके ही मेनोस्क्रिप्ट बैलेट्स को जला दिया था ही बिकेम फ्रेंड विद हेम्युल जॉनसन एंड ही एंकरेज थॉमस परसे टू एडिट द वर्क एंड ही प्रेज थॉमस परसे हेम्यूल जॉनसन ने भी प्रेज किया है किसको थॉमस परसे को इसमें एक ही क्वेश्चन आया है ज़्यादा नहीं है इसमें बोलने को तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता सिर्फ इनका ये वर्क ही पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है इसमें को जो क्वेश्चन आया है जो सॉरी वर्क जो है वो बता देते हैं रिलिक्स ऑफ एंशंट इंग्लिश पोएट्री रिलीक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री ये क्या है एंड दिस वर्क एनोग्रेटेड द बैलेट रिवाइवल बैलेट रिवाइवल के ऊपर है एंड आफ्टर दिस मैनी स्टार्ट राइटिंग इन बैलेट फॉर्म और इसके बाद में काफ़ी लोगों ने बैलेट फॉर्म में लिखना शुरू किया था ओके okay? तो इतना ही है थॉमस पर्से के बारे में नेक्स्ट राइटर की तरफ चलते हैं नेक्स्ट राइटर वॉन् स्टैग नेक्स्ट राइटर इज़ जॉन स्टैग एंड ही वॉज बॉर्न इन 1770 सेवेंटी एंड ही वॉज डाइड इन 1823 ट्वेंटी थ्री एटीन ट्वेंटी थ्री में इनकी मृत्यु हो गई थी एंड फर्स्ट राइटर टू यूज़ वेम्पायर थीम जो वेम्पायर होते हैं ना खून चूसने वाले उनका ये इन्होंने थीम फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने ये थीम यूज़ किया था ओके okay, तो ये याद रखना है कई बार पूछा जाता है कि वेम्पायर थीम पोइट्री में किस राइटर ने यूज़ किया था ओके okay, तो ये इनका इम्पोर्टेंट है एंड इनकी जो राइटिंग्स है वो है वर्क इनका वेम्पायर एंड इट वॉज पब्लिश इन एटीन टेन एंड बिगेन्स विथ लाइन कौन सी लाइन से शुरू हो रहा है वाई लुक्स माई लॉर्ड सो डेडली फेल वाई फेथ द क्रिमसन फ्रॉम हिज चीक व्हाट कैन माई डियरेस्ट हजबेंड हेल्स थाई हार्ट फेल्स केयर ओ हर मैन बी तो ये इनकी बिगनिंग लाइन्स थी वेम्पायर की एंड इसमें जो क्वेश्चन आया था वो था इन इंग्लिश लिटरेचर द ट्रूप ऑफ वेम्पायर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय तो वेम्पायर का ट्रूप किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था ये क्वेश्चन आया था तो आंसर इज जॉन स्टैग और उसके बाद में ब्रैम स्टॉकर ही वॉज ऑल्सो रिटर्न ड्रैकुला तो शुरू तो किया था जॉन स्टैग ने लेकिन उसके बाद में ब्रैम स्टॉकर ने भी लिखा है ड्रैकुला और उसके बाद में सैम्यूल टॉलर टेलर कॉलिज ने लिखा है क्रिस्टोबल एड दिस वेम्पायर थीम इसमें भी वेम्पायर थीम है क्रिस्टोबल में एंड जॉन किड्स ने भी लिखा है कौन सा लैमिया जैम जॉन किड्स ने लैमिया लिखा है आल्सो है वेम्पायर थीम तो इन सब में वेम्पायर थीम है ओके तो किपलिंग ने भी लिखा है वेम्पायर थीम तो किपिंग का भी आपको याद रखना है बट द बिगनिंग इज मेड बाय जॉन स्टैग एंड ही इज़ ए प्री रोमांटिक तो बिगनिंग किसने शुरू की थी जॉन स्टैग ने और ये प्री रोमांटिक राइटर है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशन मिलता है ज़रूरी है ये और किसी की भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर उनको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करा करिए अपने दोस्तों में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हैवे ग्रेट डे कल से हम अपना आ, जो रोमांटिक स्टार्ट करेंगे और आपको कल से बिल्कुल उसमें एक रूटीन में रहना है क्योंकि मेरी वीडियोस डेली आती है तो आप डेली देखेंगे तभी आपका लिटरेचर में ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हम अच्छे से अच्छा कर पाएंगे इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड कर रही हूँ तो आप ज़रूर देखेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग हैवे ग्रेट डे